गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं PCR यासाओ का स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल RIDUTECH में। आज मैं आपके बीच आया हूँ SPTE की एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कैरी स्टूडेंट्स के बारे में, प्रमोटेड और फेल स्टूडेंट्स के। जिस स्टूडेंट का किसी पेपर में कैरी हो गया था या फिर जो फेल कर गए थे स्टूडेंट, बैक लग गया था जिनका, वो बहुत ही कन्फ्यूजन में थे कि उनका क्या होगा। सेकेंड वाले का एग्जाम हो गया, फोर्थ वाले का हो गया, अब सिक्स वाले का जो है हो रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं लेकिन जिनका बैक हो गया है उनका क्या होगा, या फिर जिस किसी स्टूडेंट का एक आध पेपर में जो है कैरी लग गया उनका क्या होगा। तो 13 अगस्त को जो है SVT ने एक लेटर जारी कर दिया, उसके अनुसार सब कन्फ्यूजन लोगों का दूर हो गया, अब उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को इस सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें, कारण कि आप तक जो है हमारे जो भी वीडियो है उसकी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए, SVT से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दें। अब आइए मैं चलता हूँ जो इस लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस लेटर की ओर, कि वो लेटर कहता क्या है आपको। तो देखिए वो लेटर क्या है, जो ये लेटर का नंबर जो है 1905 है, 13 अगस्त को ये जारी किया गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कह रहा है कि डिप्लोमा सेमेस्टर 2/1 फोर्थ बैकलॉग फेल प्रमोटेड एग्ज़ाम 2020 इवन ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए से संबंधित आवेदन पत्र भरने के संबंध में। तो देखिए इसमें आप लोग को समझना होगा कि कह रहा है किसके बारे में सबसे पहले, और क्या कहना चाह रहा है सब्जेक्ट में। देखिए ये जो है अभी एग्ज़ाम होगा वो समझ लें कि सेकंड का होगा, फर्स्ट का होगा और फोर्थ वाले का होगा। बैकलॉग, बैकलॉग कहने का मतलब होता है कि जिनका जो अभी करंट सेशन जो चल रहा है उससे पहले वाले का जो आपका छूट गया है कोई एग्ज़ाम, या फिर उसमें आपका कैरी लग गया या फेल हो गए, तो वो आपका पेपर बैकलॉग हो गया, तो उसी का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें फेल स्टूडेंट का होगा, फेल स्टूडेंट वो कहलाते हैं कि जिनका तीन या तीन से ज़्यादा पेपर में जो है क्रॉस लग जाता है वो फेल कर जाते हैं, वो फेल कहलाते हैं। प्रमोटेड वो होते हैं जिनका एक या दो पेपर में फेल होते हैं तो वो प्रमोट कर जाते हैं, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते हैं, लेकिन वो पेपर का एग्ज़ाम उनको बाद में दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी दो पेपर में आपका क्रॉस लग गया तो आप सेकंड सेमेस्टर में चले गए, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले दोनों पेपर को आपको फ्यूचर में क्लियर करना होता है, तो वो पेपर आपका हो गया कैरी पेपर। तो कैरी जिसका लगता है वो लड़का प्रमोट कर जाता है, तो वो प्रमोटेड हो गया। तो एक कैरी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा अभी, और फेल वाले का, फेल वाले को टोटल चीज़ करना पड़ता है, मतलब उसको जितने भी थ्योरी पेपर हैं वो सबका एग्ज़ाम देंगे, इसके अलावा वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देंगे और टर्म वर्क भी जमा करेंगे। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ कि इसमें अब आगे क्या कहा गया है। देखिए आगे कहा गया है कि जो लेटर संबोधित किया गया है प्रिंसिपल को किया गया है, तो ये प्रिंसिपल किस टाइप से बोर्ड को भेजेंगे उसके बारे में है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ है आपका। पॉइंट नंबर 1 में वही चीज़ है कि सेमेस्टर 2/1 फोर्थ बैकलॉग एग्ज़ाम 2020 ओल्ड और न्यू सिलेबस, कब से कब तक आपका फॉर्म जो है फिलअप होगा, तो ये 14/8 से लेकर के जो है 22/8 तक जमा होगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम का फॉर्म जो है ऑनलाइन जमा होगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही लिख दिया गया है ऑनलाइन आवेदन जो है आपको भरकर जमा करना यहाँ कह दिया गया है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 2 में भी वही चीज़ कह रहा है कि आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है किस टाइप से भरना है, ऑनलाइन भरना है। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट में। 3 नंबर पॉइंट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज़ों को। देखिए 3 नंबर पॉइंट में कह रहा है, यदि कोई छात्र उपर्युक्त परीक्षा में, उपर्युक्त परीक्षा कहने का मतलब है कि जिस सेमेस्टर की बात कर रहा है, सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ, उस परीक्षा में पूर्व के परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, मतलब कि आप पहले जो है सेकेंड फोर्थ या फिर फर्स्ट के एग्जाम में पहले सम्मिलित हुए हैं, तो वैसे छात्र यहाँ पर पूर्ववर्ती छात्र के रूप में, मतलब बैकलॉग स्टूडेंट के रूप में संबंधित पूर्व परीक्षा के
जो आपका सेकंड के हैं तो सेकंड वाला, फोर्थ के हैं तो फोर्थ वाला, और फर्स्ट के हैं तो फर्स्ट वाला, मतलब कैरी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बैकलॉग की, ठीक है। तो उसको क्या करना है भाई, पूर्व परीक्षा का सीटी और टीए एवं टर्म वर्क के अंकों के साथ शामिल हो सकता है। मतलब कि जिस पेपर में आपका कैरी या बैक लगा है, तो जितना मार्क्स आपको पिछले बार आया था क्लास टेस्ट में या फिर टीचर असेसमेंट में और टर्म वर्क में, उतना ही नंबर इस बार भी मिलेगा, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। उसी अंकों के साथ आप शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि आपको इसके लिए कोई क्लास टेस्ट और टर्म वर्क सबमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसी अंकों के साथ, मतलब कि कोई नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेल स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो कैरी वाले हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए। तो उनको ना क्लास टेस्ट देना है, ना टीचर असेसमेंट का कुछ ज़रूरत है, और टर्म वर्क भी जमा नहीं करना है, बशर्ते कि ऐसे छात्र संबंधित पूर्व परीक्षा के टर्म वर्क विषय में उत्तीर्ण रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ टर्म वर्क नहीं जमा करना है, तो ये किन के लिए है, जो लड़का टर्म वर्क जो है पहले उत्तीर्ण कर गया है, पास कर गया है टर्म वर्क में। अब जो लड़का पिछले बार ही टर्म वर्क में फेल कर गया था, तो उसको तो इस बार टर्म वर्क जमा करना पड़ेगा। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो इस लड़का का टर्म वर्क में क्लियर है वही लड़का को टर्म वर्क जमा नहीं करना होगा, जिसका क्लियर नहीं है उसको जमा करना होगा। सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कैरी पेपर आपका है, उस कैरी पेपर का डायरेक्ट आप फॉर्म भरें और जो एग्ज़ाम दें। अगर आप बैकलॉग के स्टूडेंट हैं और आपका बैक लग गया था टर्म वर्क में, तो आपको जो है टर्म वर्क का वो टोटल काम करना पड़ेगा, अपना जर्नल सेशनल कॉपी सबमिशन करना होगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ फोर नंबर पॉइंट की ओर। तो फोर नंबर पॉइंट में क्या कहा जा रहा, परीक्षा के सामान्य नियम जो है वो कंडिका 8, ये जो SBT के बोर्ड के जो है साइट पर दिए हुए हैं रूल एंड रेगुलेशन, उसमें तो उसे कंडिका 8 के अनुसार जो भी है वो सब फॉलो होगा। उसमें कहा गया यही कि जो एक बार लड़का का CT और TA क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट एंड टर्म वर्क का इंटरनल असेसमेंट का नंबर है, वही नंबर जो है वो जमा होगा। उसमें कोई त्रुटि है तो उसका निवारण ऑनलाइन एंट्री के समय ही करवा लिया जाए, बाद में कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। पाँच नंबर में क्या कह रहा है कि ये जो है पार्षद के पत्रांक 166/2011 का एक लेटर है, उसके अनुसार कहा गया है कि अगर जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद कोई भी CT और TA के मार्क्स में चेंज नहीं होगा। मतलब आप चैलेंज भी करते हैं तो चैलेंज आपके CT और TA पर नहीं होता, वो बोर्ड एग्ज़ाम पर होता है। CT और TA का एग्ज़ाम जो आपका पिछले बार रहा था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। छः नंबर में देखिए, छात्रों के आवेदन पत्र की जाँच, ये तो कॉलेज से संबंधित है कि ये कॉलेज जो है आपके एप्लीकेशन का वेरीफाई कर लेगा अच्छे से कि आपने सही भरा है कि नहीं। अगर गलत है तो आपका टोटल जो है एप्लीकेशन फिर रख लिया जाएगा और आपका फॉर्म भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सात नंबर में कह रहा कि परीक्षा शुल्क कितना होगा, तो SC ST और दिव्यांग, यहाँ पर निःशक्त लिखा है लेकिन अब भारत सरकार ने निःशक्त को बैन करके कर दिया है दिव्यांग, तो दिव्यांग एवं छात्राओं के लिए 750 रुपये जो जनरल रूल है SVT का वही है, और जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपया है। तो ये फी के अनुसार ही क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ठीक है। फी 750, 1000 रुपया लगने का मतलब एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। अगर जब आपका जो है फॉर्म 22 तारीख तक भरने का डेट है, तो 22 तारीख के बाद अगर जब आप भरते हैं तो निर्धारित तिथि के बाद जो है भेज दिया जाएगा। मतलब 22 तारीख जो है वो कॉलेज में भरने का डेट नहीं है, 22 तारीख को बोर्ड में पहुंच जाना चाहिए, तो कॉलेज में 1-2 दिन पहले ही आपको जमा कर देना होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो निर्धारित तिथि के बाद, मतलब 22 तारीख के बाद आप अगर जब फॉर्म जमा करते हैं, तो आपको 100 रुपया पर डे के हिसाब से ये लगेगा लेट फाइन, और ये 25 तारीख तक जमा होगा। 25 तारीख के बाद कोई भी फॉर्म जमा नहीं होगा। आठ नंबर पॉइंट में कह रहा है, उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले छात्रों से आवेदन पत्र या प्रवेश पत्र पर सही क्रमांक अंकित करा दिया जाए। ये कॉलेज से संबंधित है, चूँकि ये लेटर ही कॉलेज को संबोधित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स जो है 9 पॉइंट के जो फर्स्ट है, उसमें कहा गया है कि अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो वगैरह जो है सही से आप लोग चिपका देंगे, चूँकि कॉलेज से भी वेरीफाई किया जाता है। आप लोग सही अपना
टोटल डिटेल चेक कर लेंगे, और अपना सीटी टीए का जो मार्क्स है वो आपका कॉलेज से चला जाएगा, तभी आपका जो है फॉर्म डाउनलोड होगा। इसके बाद कहा जा रहा है 3 नंबर पॉइंट में, आवेदित छात्र छात्राओं द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो है आपको जमा करना है। तो आप जो है कॉलेज से जिस टाइप से ऑनलाइन मांगा जाए आपसे पैसा, तो आप ऑनलाइन दे देंगे, कॉलेज किस टाइप से देगा वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो आपको पूरे लेटर में क्लियर कर रहा है कि कैरी पेपर वाले का भी एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर जो पॉइंट है कि पूर्व के कैरी के छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विषय की जांच कर ली जाएगी। मतलब कि जो पेपर में आपका कैरी है उसी पेपर के ना आपने फॉर्म भरा है कि ज़्यादा या कम भर दिए, ये कॉलेज की जिम्मेवारी होगी कि आपका जो है जिस पेपर में कैरी लगा उसी पेपर का आप फॉर्म भर रहे हो, ये कॉलेज चेक कर लेगा आपका त्रुटि पूर्ण एवं अपूर्ण, आधा अधूरा भरा हुआ जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे यही साफ होता है कि आपका जो भी कैरी या बैक वाले स्टूडेंट हैं उन सब लोगों का जो है फॉर्म फिलअप होगा। और सिक्स सेम वाले बहुत ही ध्यान से सुने, सिक्स सेम वाले स्टूडेंट जो अभी सिक्स सेम में है लेकिन उनका किसी एक आध पेपर में जो है कैरी या बैक था, तो उन लोगों का भी फॉर्म भरा जाएगा सिक्स सेम का। इसके अलावा अगर उनका सेकंड फर्स्ट या फोर्थ सेम में बैक है या कैरी है, बैक तो होगा नहीं चूँकि बैक रहिएगा तो आप सिक्स सेम में पहुँच नहीं पाइएगा, तो कैरी पेपर है उसका आप फॉर्म इसके साथ में भर दीजिए और अपना कैरी पेपर को क्लियर कर ले। अगर आपका थर्ड और फिफ्थ में कैरी रहा तो उसका एग्ज़ाम अभी नहीं बाद में होगा और उसके लिए SVT अलग से गाइडलाइन जारी करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ और कि एली वाले का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए भी जो है SVT ने नोटिस जारी कर दिया है। तो SVT के नोटिस के अनुसार SVT का नोटिस नंबर है 1899, ये भी 13 तारीख को आया है नोटिस। तो ये जो है किसी से संबंधित है भाई, तो देख लीजिए कि लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम से संबंधित है कि कब होगा। तो उनका एग्ज़ाम जो है सिक्स सेम के साथ में होगा, कह दिया गया है यहाँ पर। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर थर्ड और फर्स्ट लेटरल एंट्री, चूँकि जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनको कुछ पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ना होता है, इस चलते फर्स्ट लिखा है ओब्लिक करके। लेटरल एंट्री की परीक्षा जो है वो 2019 और न्यू सिलेबस के अनुसार सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा पूर्व में जो दिनांक 18/3/2020 को आयोजित होने वाली थी वो अब कब होगा, तो सिक्स सेम की परीक्षा के साथ में होगा। और सिक्स सेम का परीक्षा भी कब होगा, तो सितंबर माह में संभावित है। तो आप लोग जो सिक्स सेम वाले और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट कन्फर्म हो लें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर मंथ में होने वाला है। यहाँ भी कंफर्म नहीं है, संभावित डेट है, चूँकि ये कोरोना पर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार डिपेंड करेगा कि अगर जब वो एग्ज़ाम लेने के लिए ऑर्डर कर दे सितंबर में तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कोई भी नया अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि लाइक कर दें। धन्यवाद, फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।